आपने देखा होगा कि विवाह समारोह एवं अन्य किटी पार्टीज एवं प्रोग्रामों में जब प्रतिभोज होता है तो खाने की बेकदरी होती हुई नजर आती है। जी हाँ, इसी तरह मुरादाबाद की पीलीकोटी स्थित नगर निगम के कैंप कार्यालय में भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन के मौके पर बड़ी तादाद में खाने के सामान की बेकदरी होती हुई दिखाई दी। हम आपको बता दें कि खाने की बेकदरी के जिम्मेदार हमारा समाज खुद है। अगर इन बातों को ध्यान रखें तो सैकड़ों भूखे गरीब लोगों का पेट भर सकता है। नगर निगम की रोजा इफ्तार पार्टी के मौके पर खाने के सामान की बहुत बेकदरी हुई। जगह जगह बचा हुआ खाना कूड़े के ढेर में नजर आया। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें कि जितने खाने की जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें तो इस तरह खाने की बेकदरी नहीं हो। इस मामले में सिटी चैनल ने नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान से जब बात की तब उन्होंने बताते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं नगर आयुक्त महोदय को और माननीय महापौर जी को बधाई भी दूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि गंगा जमनी तहजीब को वीना अग्रवाल जी जो स्वर्गीय प्रथम महिला महापौर थी हमारी, जो मेरी बड़ी बहन भी थी, उनकी परंपरा को माननीय महापौर जी ने कायम रखा। चूँकि नगरायक महोदय संजय चौहान जी अभी आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से माननीय महापौर जी को धन्यवाद दूंगा और मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान की मुबारकबाद मैं महानगर की जनता को दूंगा और ईद की एडवांस में मेरी तरह से मुबारकबाद जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। और एक अपील करूंगा मैं मुरादाबाद की जनता से कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है ईद का त्यौहार, पिछड़े और जिन लोगों के आपस में नाराज़गियाँ होती हैं वो सब एक हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर ईद को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एक मुरादाबाद के शहरी होने के नाते आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि चाहे किसी भी धर्म समाज का कोई प्रोग्राम होता है या रोज़ा इफ्तार है तो उसमें ये देखा गया कि खाना भोजन लोग छोड़ देते हैं प्लेटों में जो जाया जाता है, इसके लिए क्या अपील करेंगे जनता से? मैं अपील करूंगा जनता से इस बात की कि जो हमारी भारत सरकार की स्कीम है स्वच्छता अभियान की, उसमें ये कूड़ा करकट जो है, जैसे एक्स्ट्रा भोजन उसने जो है मानो थोड़ा सा खाया और बाकी फेंक दिया, तो पहले हमारे अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, हमें अपने दरवाजे के आगे की सफाई करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा वातावरण देंगे। नहीं, खाना किसी गरीब के काम भी आ सकता है। और बाकी मैं जो अपने मुस्लिम भाई हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि अल्लाह का हुक्म है कि रिज़क का बहुत ऊँचा मरतबा है हमारे यहाँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँचा दर्जा दिया गया है रिज़क का, तो मैं अपील करूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि अपने ऐसे भाइयों को जिनके पड़ोस में रोटी मैसर नहीं है, बजाय फेंकने के उनको दस्तक देकर उनको दें, वो चाहे किसी धर्म के।